आज हम बात करने वाले हैं दुनिया के सबसे छोटे सांपों के बारे में। बहुत सारे वीडियोस में आपने बड़े सांप, जहरीले सांप और खूबसूरत सांप के बारे में सुना होगा, पर इन छोटे सांपों के बारे में कोई नहीं बताता। तो आइए जानते हैं दुनिया के 5 सबसे छोटे सांपों के बारे में। नंबर 7, रोजी बुआ। बुआ नाम सुनकर कहीं आप उस बुआ को तो नहीं समझ बैठे। नहीं दोस्तों, ये वो बुआ बिल्कुल नहीं है। जिस बुआ की हम बात करने वाले हैं, वो तो उसके पूंछ के बराबर भी नहीं है। ये सांप रोजी बुआ की लंबाई 17 इंच हो सकती है। क्या हुआ दोस्तों, आपने जितना सोचा था ये उससे भी छोटा निकला क्या? ज्यादातर इन सांपों को साउथ वेस्टर्न US और नॉर्थ मैक्सिको में देखा जाता है। अच्छी बात ये है कि बिल्कुल जहरीले नहीं होते और साथ ही खूबसूरत भी होते हैं। दोस्तों, आपको ऐसा नहीं लगता कि सांप बहुत ही अवेसम होते हैं? नंबर 6, रिबन स्नेक। अगर आप तालाब या झील के किनारे जाते होंगे तो वहाँ इन्हें देखना काफी आसान होता है। रिबन स्नेक अक्सर कहीं ना कहीं देखने को मिल ही जाते हैं। ज्यादातर ये नॉर्थ अमेरिका में देखने को मिलते हैं, पर आप इनकी छोटी साइज की वजह से इन्हें देख नहीं पाते। इनकी लंबाई 16 इंच तक हो सकती है। अगर आप देसी भाषा में सुनना चाहते हैं तो यूँ समझ लीजिए कि अगर आप ईयरपॉड्स इस्तेमाल करते हैं तो ये सांप उसके डब्बे में आसानी से आ सकते हैं। नॉर्थ अमेरिका में ये भारी मात्रा में दिखते हैं और साथ ही वहाँ के लोग इसे पेट के रूप में पालते भी हैं। अब आप शायद सोच रहे होंगे कि कोई इंसान भरा जहरीले जीव को घर में रख कर सोता कैसे होगा। तो घबराइए मत, ये सांप बिल्कुल भी जहरीले नहीं होते, बस ये अर्थवॉर्म मेंढक जैसे जीव को खाना पसंद करते हैं। नंबर 5, स्कारलेट किंग स्नेक। कितने ही लोग इसका ये रंग देख के ही इससे दूर भाग जाते हैं, और साथ ही ये सांप होते भाई बहुत ही जहरीले हैं। पर सांप के बारे में ऐसा बहुत कुछ है जो अभी जानना बाकी है। दोस्तों, ये सांप सिर्फ 40 सेंटीमीटर ही लंबे हो सकते हैं, यानी कि छोटा पैग और बड़ा धमाका भैया। क्या कहा दोस्तों, सही है ना? अक्सर ये साउथर्न US में पाए जाते हैं गड्ढों की आड़ में। साथ में इन्हें छिपकली और छोटे छोटे सांपों का शिकार करने में बड़ा मजा आता है। और दोस्तों, जहाँ तक बात रही इनके जहरीले होने की, तो ये काफी खतरनाक होते हैं। इनके काटने के बाद अगर उस इंसान के पास टाइम से इलाज ना पहुँचा तो उसका मरने की आशंका बहुत बढ़ जाती है। नंबर 4, एक्सेंथिक सुपरकोंडा हॉगनोज। ये सांप अक्सर सिल्वर ब्लैक और सफेद कलर में ही पाए जाते हैं। दोस्तों, तादाद में ये बहुत कम ही होते हैं और ये एनाकोंडा सांप के सुपर फॉर्म होते हैं। सुपरकोंडा के सिर को छोड़कर इसके बाकी बॉडी का पूरा पैटर्न एनाकोंडा से अलग होता है। नंबर 3, शॉर्ट हेड गार्टर स्नेक। गार्टर सांप इतने ज्यादा बड़े नहीं होते, पर फिर भी इस शॉर्ट हेड गार्टर स्नेक को इतना छोटा होने के लिए एक प्राइस तो बनता है। दोस्तों, आप मानेंगे नहीं, पर एक चॉपस्टिक से भी छोटा होता है, और ये अगर बहुत लंबे भी हो गए तो सिर्फ 10 इंच तक ही हो सकते हैं। ये सांप मैदान के कोनों में या फिर पत्थरों के बीच छुपे हुए पाए जाते हैं। इन्हें भी बाकियों की तरह अर्थवॉर्म को शिकार बनाने में बड़ा मजा आता है। नंबर 2, रिंग नेक स्नेक। सांपों के प्रजाति में सबसे छोटे सांपों की बात की जाए और इसका नाम ना आए, ये तो हो ही नहीं सकता। ये सांप इतने छोटे होते हैं कि हमारे हथेलियों के बीच से बड़े आराम से निकल जाते हैं, और ये अपनी पूरी ग्रोथ भी हासिल कर लें तो भी 9.8 इंच से ज्यादा नहीं बढ़ सकते। दोस्तों, आपका एक प्यारा सा दोस्त आपके नेकलेस से भी छोटा है, लेकिन अब करे भी क्या, ये बढ़ ही उतना सकता है जितनी इसकी बॉडी है। अर्थवॉर्म्स, छोटी छिपकलियां या मेंढक खाने में बड़ा मजा आता है। ये सांप US के मेक्सिको शहर और कनाडा में पाए जाते हैं, और दोस्तों, घबराने की बात नहीं है क्योंकि ये जहरीले बिल्कुल नहीं होते। नंबर 1, बार्बाडोस थ्रेड स्नेक। आज तक दुनिया में सबसे छोटा देखा गया सांप का ताज बार्बाडोस थ्रेड स्नेक के सिर पर ही है। 2008 में इन्हें पहली बार देखा गया था, और ये छोटा सा जीव बार्बाडोस के कैरिबियन आइसलैंड पे पाया जाता है, पर एंटीगुआ और बरबुडा आइसलैंड पर भी इन्हें देखा गया है। आपको भरोसा नहीं होगा, पर ये सांप एक अर्थवॉर्म के बराबर या फिर उनसे भी छोटे होते हैं। ये अगर बहुत ज्यादा लंबे भी हो जाएं तो 3.9 से 4 इंच तक लंबे हो जाते हैं। बाकी हमने जितने सांपों को देखा वो कम से कम अर्थवॉर्म को तो खा ही लेते हैं, पर बार्बाडोस तो ये भी नहीं कर सकता बेचारा। ये सिर्फ ऐसे जानवर को ही खा सकते हैं जो इनसे बहुत छोटे होते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। और इन सांपों में सबसे छोटा और क्यूट सांप आपको कौन सा लगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करें।
अगर आप इसका पार्ट 2 चाहते हैं तो हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। ऐसे ही और वीडियोस को देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल स्काईपीडिया को। धन्यवाद दोस्तों।